हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गार्डनिंग को शौक को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस हो या बहुत बड़ा बजट हो। अपने छोटे से बजट में, छोटे से स्पेस में भी आप अपने शौक को पूरा कर सकते हो। तो मैंने अपना गार्डन बनाया है अपनी मेहनत से, मिनिमम खर्च में, मिनिमम बजट में। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, आप इनका उपयोग ज़रूर करें। अगर आप इनका उपयोग करते हो तो आप कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने में भी एक बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। तो चलो मिलते हैं मेरे कबाड़ भरे गार्डन से। यहाँ देख रहे हो, एकदम फ्री के प्लांट मेरे बने हुए, पुराने मटके के अंदर मैंने प्लांट लगा रखे हैं और काफ़ी सुंदर ये लग रहे हैं। तो इस तरह से एकदम बहुत कम खर्च में या जीरो बजट से भी हम गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे अधिकतर प्लांट एकदम फ्री के हैं और काफ़ी सुंदर ये सभी लग रहे हैं। तो यहाँ ये मैंने एकदम पुरानी जो फिनाइल की जो पीपी आती है उसी को मैंने ऊपर से कट करके और कटिंग से प्लांट इसमें लगाए। आप देखो, इसमें सिर्फ मैंने एज बनाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो बहुत सुंदर सा प्लांटर एकदम फ्री में बनकर यहाँ तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम प्लांटर बना सकते हैं। एक जग मेरे पास टूटा हुआ पड़ा था और इसमें मैंने आईज और माउथ बना दी हैं और इसमें भी मैंने प्लांट्स लगा दिए। इसमें तो हैंडल भी है उठाने के लिए, तो काफ़ी आसानी से हम इसको उठा भी सकते हैं। और आप देख रहे हो, प्लांट्स मेरे सभी काफ़ी अच्छे इसमें लगे हुए हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है प्लास्टिक के डब्बे वगैरह में प्लांट्स नहीं लगते, लेकिन मेरे सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये भी एकदम फिनाइल की प्लास्टिक की बोतल है, इसको मैंने दो हिस्सों में काट लिया है और दो प्लांटर मैंने इसके तैयार किए हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, इस पर मैंने जो शॉपिंग बैग होता है उसको कट करके और उसको सेलो टेप से चिपका दिया। तो इसमें कलर पेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खर्चा हमें नहीं करना है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसमें भी मैंने प्लांट्स मिला के कटिंग वाले ही सारे प्लांट्स हैं उनको लगा दिया है। तो दो प्लांट एकदम फ्री में हमारे तैयार हो गए हैं। तो हर महीने बहुत सारा सामान एकदम हमारे घर में आता है, एकदम फ्री में प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। ये देख लो, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। इसी तरह से ऑयल केन वगैरह जो हमारी आती है उसको भी आप यूज में ले सकते हो। तो ये ऑयल केन है, इसको मैंने कट कर लिया। तो इस तरह से आप एक फैमिली भी बनाकर अपने गार्डन में रख सकते हो, काफ़ी अच्छी ये लगती है। ये देख रहे हो प्लांट्स मेरे कितने अच्छे इसमें लगे हुए हैं, सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से आप लगा सकते हो, प्लास्टिक की बोतल वगैरह उनका उपयोग आप कर सकते हो गार्डनिंग में। तो एकदम जीरो बजट से ही हमारी गार्डनिंग शुरू हो जाती है। प्लांट तो काफ़ी सारे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये ग्रो बैग मैंने तैयार किया था, आपने देखा था पॉली बैग से मैंने ग्रो बैग का वीडियो भी शेयर किया था। और ये कटिंग से दो चंपा की कटिंग लगाई थी और दोनों ही इसमें चल गई हैं। एकदम फ्री में हमारे प्लांटर बनके तैयार हो गए। प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे इसमें लग रहे हैं और वो भी हमने कटिंग से लगाए हैं। तो दो दो प्लांटर, और ये एकदम पुरानी जो मटकी होती है उसको मैंने काट के बीच में से उससे प्लांटर तैयार किया, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। और इसमें देख रहे हो आप कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। तो इस तरह से एकदम जीरो बजट से हम गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा खर्चा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और शुरुआत अगर हम कम कर से करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। बोतल है प्लास्टिक, इसको भी मैंने कट कर दिया है ऊपर से, और इसमें भी मेरे सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। और इस तरह के सीमेंट के पोट आप घर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार कर सकते हो, छोटे बड़े जैसे आप चाहें। तो बहुत सस्ते ही बन जाते हैं, 5-5, 10-10 रुपये में आप तैयार कर सकते हो। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे पोट तैयार कर रखे हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में, इनमें आप प्लांट्स लगा सकते हो। काफ़ी अच्छे इनमें चलते हैं, इनमें आप मनी प्लांट वगैरह भी लगाओगे तो काफ़ी आसानी से लग जाती है। जड़ प्लांट मैंने लगाया हुआ है और ये ऑफिस टाइम लगाया हुआ, तो काफ़ी अच्छे से ये लग जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर आप घर में तैयार कर सकते हो सीमेंट से। तो मैंने काफ़ी सारे तैयार किए थे, बहुत सस्ते बन जाते हैं। आप गमले भी तैयार कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से आप इनको घर में अपनी जगह के हिसाब से, जितनी जगह है उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में। ये एकदम पुराने से कप मेरे पास पड़े थे, उसमें भी मैंने जड़ प्लांट लगा दिया है। तो काफ़ी सारे प्लांटर तो हमारे घर में ही होते हैं, हमारे किचन में से काफ़ी सारा कबाड़ हर महीने निकलता है। तो इस तरह से आप इनमें प्लांट ज़रूर लगाएं। और जिस हिस्से को आपको हरा भरा बनाना है उस जगह में आप मनी प्लांट लगा दें, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ये काफ़ी सुंदर आप देख रहे हो मनी प्लांट यहाँ लग रही है। और जो मॉस स्टिक इसमें लगी हुई है वो भी मैंने घर में तैयार की है, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। खाली जो पाउच आते हैं हमारे पास सामान के, आप उसमें भी प्लांट्स लगा सकते हो। ये छोटे से ही पाउच हैं, इनमें मैंने सब में सब्जियाँ लगा रखी हैं। इस तरह से लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।